बच्चे के जन्म के बाद इस गांव वाले लगाएंगे उसके स्वागत में पेड़। वसुंधरा बचाने की मुहिम को मिला नया बल। नांदेड़ जिले के उमरी तहसील के ढुलुमरी गांव में कल येरावाड़ परिवार में एक नन्ही परी ने जन्म लिया और इस परी के जन्म के बाद उनके माँ बाप ने 111 पेड़ लगाने का आगाज किया, संकल्प किया। ये स्वप्नी येरावाड़ और उसका परिवार है और इस गांव के लोगों ने अब ये संकल्प किया है कि हर इस गांव में जन्मने वाला हर बच्चा उसके आते ही उसके स्वागत में गाँव वाले अब पेड़ लगाएंगे, इससे वसुंधरा बचाने की मुहिम को नया बल मिलेगा। आइए स्वप्निल से सुनते हैं ये। मेरा गांव ढोलुमरी तालुका उमरी जिला नांदेड़। जो हमने ये उपक्रम रखा है उसमें हमें एक साल पहले हम 100 पेड़ लगाए और उसका भी एक साल पूरा हो गया। अब हमने अभी गांव के सब लोगों ने हम ऐसा सोचा है कि 1100 पेड़ लगाने का हमें सोच गए। अब मुझे एक लड़की हो गई थी, लड़की होने के बारे में हमने बड़ा जिलेबी और पेड़ा वगैरह बांटे नहीं, तो उसके नाम से भी हम गांव में पेड़ लगाए। अभी जितने हमने पेड़ लगाए उसका बड़ा करने का काम हमारा है और जिसने पेड़ लगाए उनका बड़ा काम करने का उनका है। इसकी वजह से हम सब लोगों ने सोच के अभी एक कार्य उपक्रम रखा है। अभी ऐसे अभी स्टार्ट है, इसके आगे भी आप नए नए उपक्रम रखेंगे और गांव पूरा हरा भरा करेंगे। तो हाँ, हमारे गांव वालों ने सभी ने निर्णय लिया है कि इस हम जो अभी पेड़ लगा रहे हैं इसके पेड़ से ऑक्सीजन वगैरह सब लोगों को अच्छा फ्रेश लगेगा और गांव वाले के लिए स्वस्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए हम सब लोगों ने मिल के गाँव में पेड़ लगाए, अभी पेड़ लगाए उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर उमरी तहसील के ढोलुमरी गांव की है जहां पर भारी संख्या में गांव वाले वृक्षारोपण की मुहिम का उन्होंने आगाज़ किया है और पिछले वर्ष भी उन्होंने पेड़ लगाए जो 100% जीवित है और उनका जन्मदिवस भी बड़े कल धूमधाम से गांव वालों ने मनाया था। इस वर्ष 1100 पेड़ लगाने की मुहिम का आगाज़ गाँव वालों ने किया है। विभिन्न किस्मों के पेड़ है जिसमें रबर ट्री, नारियल, नीम का पेड़ है, बरगद, पीपल और इमली, अलग अलग किस्म के फूल और पौधे हैं और गाँव वाले वसुंधरा बचाने की इस मुहिम का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और गाँव वालों ने अब नया एक संकल्प किया है कि इस गांव में कोई भी बालक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसके परिवार वाले या गांव वाले उसके स्वागत के उपलक्ष में भारी संख्या में पूरे गांव में पेड़ और पौधे लगाएंगे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे हैं, पर्यावरण बना रहे हैं। और लोगों ने ये निर्णय लिया है जिसकी वजह से गांव पूरी सुर्खियों में आ गया है और इस निर्णय का आगाज जैसे ही गाँव वालों ने किया तब से ये गांव पूरे ज़िले में पूरे समूचे मराठवाड़े में चर्चे में आया है। कल गाँव वालों ने काफ़ी संख्या में पेड़ों का रोपण किया है। खूबसूरत ऐसा गांव है, खूबसूरत नज़ारा है, साफ सफाई का पूरा इस फुटेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार की साफ सफाई है और पेड़ों का पौधों का रोपण किस प्रकार से गांव वालों ने कतारबद्ध तरीके से किया है और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। पिछले साल जो पेड़ लगाए थे वो 100% जीवित पेड़ है अभी भी और इस साल 1100 पेड़ लगाने की गाँव वाले उन्होंने संकल्प किया है। गाँव वाले के सुनते हैं कि वाकई ये किस तरह से कितना 400 लगाएंगे, 100 लगाए और बाकी दिनों में और लगाने क्या है। और यहाँ की जो परंपरा है, जो भी नया कोई जन्म लेता है उसी के रीज़न से एक झाड़ लगाने का यहाँ के लोगों का इच्छा है। तो जैसा ही यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम हो, जैसा मंगल कार्य हो और कोई जन्म लो, इसके प्रति ये झाड़ की लगाई है। और क्या लग बोले शेख करीम ढोलुमरी तालुका उमरी नांदेड़ जिले से बात कर रहा हूँ। मेरा गांव ढोलुमरी का है और हमारे गांव में ऐसा संकल्प लिया वाला है कि जो भी लड़का हुआ, लड़की हुई, कुछ भी हो, उसके हर एक बच्चे के पीछे एक झाड़ लगाने का ऐसा संकल्प हमारे गांव में करे वाला है। और हमारे गांव में कल 1100 झाड़ लेके आए और 100 झाड़ लगा दिया ले